अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन एंड विद लोड कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, ट्रांसफार्मर फार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है वो हमने देखना है। तो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन के अंदर आपको पढ़ने से आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर जो लोड होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि नो लोड का मतलब यहाँ पर है कि लोड इज़ नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो जब कनेक्टेड नहीं होगा तो किस तरीके से आपकी जो फेजर डायग्राम बनेगी, फेजर कह रहा हूँ, जो एक सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से कोर बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, एंड बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आ गई आपकी वायरिंग, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से यूँ रख दिया है। ठीक है ना, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग आ गई है। ठीक है ना, और प्राइमरी वाइंडिंग जो कनेक्टेड होगी वो आपके पास एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब नो लोड कंडीशन होती है तो लोड यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नो लोड। ठीक है, मैं इसको ज़रा ठीक करके लिख दूँ, तो ये नो लोड की हम बात कर रहे हैं, तो नो लोड कंडीशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास वी एस सप्लाई है आपके पास। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज आपके पास यहाँ पर आ गए, और आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जहाँ जिसके साथ सोर्स कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, सोर्स कनेक्टेड, जो कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि जिसके साथ सोर्स कनेक्टेड हो वो क्या होती है, अपने पास प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और ये वाली जो वाइंडिंग है वो क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, जहाँ पर लोड कनेक्ट होता है। ठीक है ना, तो लोड यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग आपके पास आ गई है। ठीक है, ये आपके पास आ गई है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपने ये देखना है कि आपके पास एक सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई की वजह से क्या होगा, कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो करेगा, जिसको हम बोल देंगे जब नो लोड कंडीशन होती है तो वहाँ पर करंट फ्लो करता है आई नॉट। आई नॉट को हम सिंपल यहाँ पे बोलते हैं नो लोड करंट। नो लोड करंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है ना, सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक करंट फ्लो करेगा, और वो करंट क्यों फ्लो करेगा, उसका रीज़न जो सिंपल सा है वो ये है कि आपका जो वाइंडिंग है, आपकी जो वाइंडिंग है इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी जो कि करंट को ड्रॉ कर रही होगी। ठीक है ना, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को वो ड्रॉ कर रहा होगा आपका ट्रांसफार्मर, जिसको आप लोग कहते हैं आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आई नॉट होगा, और आई नॉट की वजह से एक इवन प्रोड्यूस हो जाएगा। इवन आपके पास क्या है, इंड्यूस वोल्टेज है। जब आप कॉइल के ऊपर, जब कॉइल से जब करंट पास होगा, तो कॉइल के करंट पास होने की वजह से कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि एक कॉज होगा। किसका एक कॉज होगा, मैं इसको इससे बना देता हूँ, एक ईएमएफ का। ठीक है ना, इसको ठीक कर लेता हूँ पहले मैं। तो ईएमएफ ये प्रोड्यूस हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, जिसे आप लोग फ्लक्स का नाम देते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये है आपका फ्लक्स। मैंने इसको हल्का सा बना दिया ताकि अच्छे से आइडिया हो जाए। तो ये आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया है। किसकी वजह से हुआ है फ्लक्स प्रोड्यूस, इवन की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। जब फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है तो इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वजह से जो फ्लक्स लाइन प्रोड्यूस होंगी, जो फ्लक्स लाइन जब प्रोड्यूस होंगी, आपके पास एक तरीके से फ्राइडे लॉ का एक जो आपके पास फ्राइडे लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, कि जब भी फील्ड लाइंस पास होती हैं किसी भी कॉइल में से, तो उसके अंदर से आपके पास एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे E2 का। और E2 का सिंपल हम कह सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, हम जिसे कह सकते हैं। फ्राइडे लॉ क्या था, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँ, कि फ्राइडे लॉ यह था कि आपने एक सोलेनोइडल कॉइल बनाई,
ठीक है ना, आपने एक सोलेनोइडल कॉइल बनाई और यहाँ पर आप कह दें कि एक लोड आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने बना दिया है एक मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। जैसे ही ये मैग्नेट को आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट के पास अपनी एक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेट के पास एक अपनी फील्ड लाइंस हैं जो कि कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये अपने फील्ड लाइंस को जनरेट करवाता है, तो जब फील्ड लाइन जनरेट होती है और जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो होगा क्या, इस सूरत में क्या होगा कि जो फ्लक्स है आपके पास, जो मैंने एक लाइन बनाई हुई है ये मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक लाइंस इस, ये मैग्नेटिक फील्ड हम कह देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। जब इसमें से पास होंगी, जब एक मरतबा इसमें से पास हो गई तो आपका जो फ्लक्स है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको आगे पीछे करेंगे, मीन्स के हम एक मरतबा मैग्नेट को आगे की तरफ लेके गए फिर हम इसको पीछे की तरफ लेके गए, तो ये क्या होगा, जो ये आपके पास ये फ्लक्स है, जो सारा का सारा ये जो फ्लक्स है आपके पास, जो फ्लक्स बना हुआ है मैग्नेट का, ये क्या होगा, इस कॉइल में से पास होगा। जब कॉइल में से पास होगा तो फ्लक्स की चेंज होने की वजह से एक वोल्टेज सेटअप हो जाएगा उस कॉइल के अंदर, जिसको हम इंड्यूस वोल्टेज कहते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। अगर ये एक पहला केस था, ठीक है ना, केस नंबर वन। तो अगर मैं केस टू की बात कर लूँ इसी तरीके से, तो केस टू एक ये होता है कि आप मैग्नेट को रखें कांस्टेंट अपनी जगह पर, ठीक है ना। मैग्नेट क्या है, स्टैटिक है, मतलब मैग्नेट को हमने मूव नहीं करवाना। कॉइल है आपके पास, ठीक है ना, आप कॉइल को मूव करवा दें इस मैग्नेट बार के अंदर, मतलब के कॉइल यहाँ पर इसके अंदर प्लेस कर दी गई है और हम कॉइल को आगे कर रहे हैं और पीछे की तरफ कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम कॉइल को आगे और पीछे की तरफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट होंगी, लेकिन हमारी जो सोलेनोइड नॉइड को अगर हम आगे या पीछे की तरफ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फील्ड लाइन्स हैं वो चेंज होंगी, वेरी होंगी, वेरी होने की वजह से यहाँ पर इंड्यूस वोल्टेज सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैराडे के लॉज हैं जिसके हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से फायर डेवलप हुआ है और फायर डेवलप होने के बाद यहाँ पर एक इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा सेकेंडरी के अंदर, जो कि लिंक्ड होगा कोर के साथ, ठीक है ना, किसके साथ लिंक्ड होगा, कोर के साथ लिंक्ड होगा। अच्छा, आपको एक चीज यहाँ पे एक और बता दूं कि जो ये पाथ है, दिस पाथ इज नॉट कनेक्टेड, इट इज नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते लेकिन मैग्नेटिकली ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इट इज नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, बट कनेक्टेड विद मैग्नेटिकली, ठीक है ना। तो मतलब मैग्नेट के थ्रू ये क्या होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं। लिंक का मतलब कैसे, मैग्नेट की वजह से लिंक्ड हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास ये कोर है और कोर के ऊपर आपने वायरिंग को लपेटा हुआ है, तो कभी भी वायरिंग को इस तरीके से नहीं की जाती, ठीक है ना, वायरिंग इस तरह नहीं की जाती। हमें यहाँ पर इस वायर को इंसुलेशन के अंदर डिप करना होता है, ठीक है ना। इस वायर को हमें क्या करना होता है, इस इंसुलेशन के अंदर डिप करना होता है, इंसुलेशन के अंदर डिप करेंगे तो आपकी आपके वायर के ऊपर क्या हो जाएगा, एक कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग से क्या होगा कि अब वहाँ पर वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके घर है, ठीक है, घर के अंदर सिर्फ प्लस्तर हुआ हुआ है तो समझे एक तरह की वो कनेक्टिविटी दिखा रहा है। जैसे ही मैं उसका पेंट कर दूंगा तो वो जो कनेक्टिविटी है वो गायब हो जाएगी। पेंट का मतलब ये है कि मैंने उसको इंसुलेशन के अंदर डिप कर दिया, तो अब वो किसी के साथ अगर किसी के भी कांटेक्ट में आएगा तो उसको कोई करंट नहीं लगेगा, ठीक है ना। और खास एक तो हम उसको किसी सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, और दूसरी चीज होती है कि हम उसके साथ क्या लगा दें, पेपर,
अटैच कर दें, उसके साथ पेपर अटैच कर दें इस कोर के साथ, ठीक है ना। तो पेपर अटैच करने से भी आपकी जो इंसुलेशन है वो मिल जाएगी उसको, और ये आयरन जो है आपके पास आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो वायरिंग जो होती है वो इंसुलेशन के थ्रू होती है। अगर मैं वायरिंग ही अगर कोर के ऊपर कर दूंगा तो यहाँ पर लॉस ही लॉस होगा, और लॉस होने की वजह से ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात मैंने ये बता दी है। जब और दूसरी बात ये है कि जब नो लोड की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर करंट जो होता है I2 वो फ्लो नहीं करता। तो मतलब वहाँ पे I क्या होता है, जीरो होता है, और E2 क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं फेजर डायग्राम के बारे में। तो फेजर डायग्राम इसकी कैसे बनती है, फेजर डायग्राम इसकी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक मैंने इस तरीके से बना लिया है, और मैं इसको कुछ इस तरीके से बना लूं, ठीक है। और बिल्कुल इसको इसकी तरह बना लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये आपके पास है सप्लाई का वोल्टेज, और अभी हम यहाँ पर जब सप्लाई वोल्टेज आ गया, सप्लाई वोल्टेज की वजह से क्या हो रहा था, सप्लाई वोल्टेज जैसे ही आता था तो यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, ठीक है ना। अगर सपोज कि अगर यहाँ पे प्लस बन रहा है और यहाँ पे माइनस है, तो वाइंडिंग के ऊपर भी यहाँ पे प्लस बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो एक तरह से ये क्या करेंगे, अपने आप को अपोज करेंगे। और ये कौन सा लॉ है, ये आपके पास है लेंथ लॉ, ठीक है ना। लेंथ लॉ क्या कहता है कि जिस भी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, अपोज कर रही होंगी। और अपोज करने को हम वहाँ पर माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, और माइनस साइन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ लिख दूंगा कि यहाँ पर जो आपके पास E1 जो हुआ, जो आपके पास प्राइमरी साइड के ऊपर EMF जो जनरेट हुआ है वो 180 डिग्री के अंदर शिफ्ट है। तो मैं इसको यहाँ पर अगर यूँ बना दूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 180 डिग्री अपार्ट है। तो ये मैं अभी मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना। तो E1 मैंने बना लिया, और जिस डायरेक्शन के अंदर E1 होगा उसी डायरेक्शन के अंदर आपका E2 भी होगा, लेकिन वो लेसर होगा एज कम्पेयर टू E1, ठीक है ना। तो E2, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर इसको E2 भी आपने बना लिया। अब याद रखें कि आपके पास यहाँ पर नो लोड करंट है, ठीक है ना। जब नो लोड करंट है और ये आपके पास एज अ इंडक्टर है, क्योंकि वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग को हम कह देते हैं कि ये एक इंडक्टर है। इंडक्टर है, लेकिन इंडक्टर के अंदर इसकी इंडक्टेंस भी होती है विद रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है ना। विद आर, एल विद आर, मतलब के इंडक्टेंस भी और रेजिस्टेंस भी है। मतलब क्या, अगर इंडक्टेंस है 0.8 हेनरी या मिली हेनरी जितनी भी कह दें, और रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, तो मतलब कि ये इसके कॉम्बिनेशन है एल और आर का इंडक्टेंस, ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होती है कॉइल की। अब ये रेजिस्टेंस कैसे आती है, क्योंकि जो कॉइल होती है वो क्या होती है, ये जो कॉइल है असल कॉइल बनती कैसे है, ये एक असल में होता क्या है, ये वायर होती है, और वायर की भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। तो ये रेजिस्टेंस इसकी वजह से आती है, ठीक है ना। तो जो भी रेजिस्टेंस आती है वो इस वायर की वजह से आती है, क्योंकि हम जब वायर को घुमाते हैं, मतलब के राउंड करते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है। और ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कौन सा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, के वायर की भी लेंथ होती है, जब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पुरानी कॉन्सेप्ट पुराने कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, जो कि हमने देख लिए हैं। जब इंडक्टर है, तो अगर प्योर इंडक्टर होता, अगर हम वहाँ पर प्योरली इंडक्टर बात करते हैं, तो Vs और अच्छा यहाँ पर ये आपके पास है फाई, ठीक है ना, ये आपके पास है फाय। तो क्या होता है, अगर ये प्योरली इंडक्टर होता ना, तो आपका जो फेयर एंगल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता करंट का, ठीक है ना। तो आई नॉट आपका इस कुछ इस तरीके से बनता अगर ये प्योरली इंडक्टर होता, लेकिन ये प्योरली इंडक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आर का भी एक पैरामीटर आ गया है, तो ये सम एंगल आपके साथ बना रहा होगा, ये कुछ ना कुछ एक एंगल बना रहा होगा जिसको हम नाम दे देते हैं I नॉट। और I नॉट आपके पास क्या है, नो लोड करंट,
अब अगर मैं इसको कह दूं कि इसको दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दो, तो इसको हम परपेंडिकुलर इसको क्या कर लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे। इसको मैंने इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया है, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका है आई डब्ल्यू, आई म्यू सॉरी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है आपका आई डब्ल्यू। अब ये आई डब्ल्यू और आई म्यू क्या है, आई म्यू आपके पास करंट है मैग्नेटाइजेशन की वजह से, ठीक है ना। ये है आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन करंट है। और आई डब्ल्यू आपके पास है, यहाँ पर जो आई डब्ल्यू है वो आपके पास कहते हैं इसको, एक तो वर्किंग करंट बोलते भी हैं, ठीक है, इसको एक वर्किंग करंट भी कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है लॉस करके कुछ इसका नाम होता है, मेरे माइंड में भी ठीक से नहीं आ रहा, अभी बीच में आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जो मुझे लगता है इसको हम दूसरा नाम कहते हैं लॉस, क्योंकि ये रजिस्टर की वजह से आता है ना, तो ये लॉस की लॉस भी हम इसे कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सर्किट को रन करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको ये बना देता हूँ, ये पॉइंट है, और यहाँ पर आपके पास आई डब्ल्यू ये वाला आ गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया ये कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि यहाँ पर आई डब्ल्यू जो होता है वो होता है आपके पास एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। और ये आपके पास है रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। रिएक्टिव क्यों बोलने में बताता हूँ, रिएक्टिव कंपोनेंट इंडक्टेंस है, उसकी क्या होती है, इंडक्टेंस होगी। तो अगर मैं इसकी इंपेडेंस लिखूंगा तो इंपेडेंस किसके बराबर होती है, आर प्लस जे एक्स ओमेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस आ गई है, इंडक्टेंस का मतलब कि वो इंपेडेंस आ गई है, ठीक है ना। तो आर आपके पास एक रियल पार्ट होता है, तो इसको हम एक्टिव कंपोनेंट बोल रहे हैं। और रिएक्टिव कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसके साथ इमेजिनरी पार्ट ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि ये लीडिंग और लैगिंग के ऊपर बेस करना शुरू हो जाता है। तो हम इसको देखते हैं आगे। तो जो नो लोड वाला कंडीशन थी वो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, अब बारी आ जाती है कि विद लोड, ठीक है ना। विद लोड के अंदर कुछ है नहीं दादा, सिंपल वही डायग्राम है और हमने उसकी फेजर डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे ये बना लिया मैंने, और सिंपल तो यहाँ पे कॉइल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सप्लाई लगा लेते हैं, एसी सप्लाई है, और जब एसी सप्लाई है तो यहाँ पर फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। इस डायरेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे फ्लक्स बोल देता हूँ उसको, और यहाँ पर मैं एक लोड लगा देता हूँ, यह आपका आ गया लोड, ठीक है। लोड आ गया, तो जिस तरीके जो चीज़ें हमने पुरानी पढ़ी हैं वही सेम चीज़ अप्लाई होंगी। आपका सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज से जब एक करंट पास होगा, अब मैं यहाँ पर आई वन दे दूंगा। अब आई वन मैंने इसको क्यों बोला है, क्योंकि अब प्रॉपर एक करंट पास होगा सेकेंडरी में से, क्योंकि लोड कनेक्टेड है, और जो लोड हो जो करंट होता है वो हमेशा करंट लोड को फॉलो करता है, कि जितना लोड होगा उतना ही वो करंट ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर आई वन आ गया, आई वन की वजह से यहाँ पर एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ई वन, और ये जब जब ये इंड्यूस हो जाएगा तो इसकी वजह से फाई वन क्या हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से मैं कह दूँ कि आई वन बन रहा है, आई वन की वजह से आपके पास वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है आई ई वन, और ई वन की वजह से आपके पास फाई इंड्यूस हो रहा है फाई वन,
इसको आप चाहें तो फाई वन का नाम दे दें या फाई टू का नाम दे दें, ठीक है ना। तो फाई वन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गई है। जैसे ही बनेगा तो यहाँ पर एक कॉइल क्या करेगी, लिंक्ड हो जाएगी विद मैग्नेटिकली, तो जिसकी वजह से फाई टू बन जाएगा, फाई टू की जो क्या कहलाता है ये ई टू बनेगा। अब ई टू जब बन जाएगा तो ई टू की वजह से एक और आपके पास फ्लक्स जनरेट होगा जो कि फाई टू होगा, और वो हमेशा इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये वो वाला पार्ट है जो कि फाई टू वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपके पास फाई टू कहलाएगा, जो रेड वाले पार्ट से मैंने इसको मेंशन किया है, ठीक है ना। और फाई टू आ गया तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा आई टू, जो कि लोड में से पास होगा। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं, कुछ जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। इसके हम फेजर डायग्राम को समझ लेते हैं कि फेजर किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देखें वही काम करना है, फेजर बनाने, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। वही चीज़ मैंने देनी है, यहाँ पे आपके पास वी एस है, यहाँ पे आपके पास फाई है, ठीक है ना। और जिस डायरेक्शन के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है ना, जिस अब मतलब कि अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि ई इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये होता है असल में लेंस लॉ का जो साइन आपको बताता है, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था वो मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे बता दिया है। तो मतलब जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा तो आप इसको यहाँ पे यूँ लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको कह दें कि ये क्या है, आपके पास ईवन है, और जब ईवन है तो इसकी वजह से आपके पास एक और सेकेंडरी के अंदर भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है जो कि ई टू आपके पास कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर रेजिस्टिव लोड की बात करते हैं तो रेजिस्टिव लोड के अंदर करंट क्या होता है, वोल्टेज के साथ इन फेज होते हैं, ठीक है ना। जब इन फेज होंगे तो करंट भी इसी तरीके से बना दिया जाता है, आई टू और आई टू वगैरह सारी की सारी चीज़ें। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं इंडक्टिव लोड की, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, एक तरह से ट्रांसफार्मर ज़्यादा इंडक्टर काम कर रहा है, तो होगा क्या कि आपका जो करंट है, जिस तरीके से हमने आई नॉट बनाया था पहले, वो दोबारा से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक आई नॉट बना लिया, ठीक है ना, आई नॉट तो मैंने बना लिया। अब यहाँ पर एक, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक बात की थी ई टू की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होगा, फ्लक्स टू जनरेट हो जाएगा ना, ठीक है ना। फ्लक्स टू आएगा तो फ्लक्स टू की वजह से करंट भी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंडक्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडक्टर की। तो इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है। तो वहाँ पर जो हम आई टू बनाएंगे सेकेंडरी साइड के ऊपर, वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे जो कि लैग कर रहा होगा, और वो कहलाएगा फाई टू, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, फाई टू। और जो आपके पास आई नॉट करंट है, अब आई नॉट कह रहा हूँ, सॉरी, ये आपके पास ये आई टू आ गया है। मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ, आई टू है और ये आपके पास है आई नॉट, ठीक है ना। जब आई टू फ्लो होना शुरू होगा तो उसकी वजह से एक और करंट सेटअप हो जाएगा जो कि बिल्कुल इसी करंट को अपोज कर रहा होगा। और वो अपोज किस डायरेक्शन के अंदर होगा, बिल्कुल इसी की डायरेक्शन के अंदर करंट क्या होगा, अपोज करना शुरू कर देगा। उसको मैं नाम दे देता हूँ आई टू डैश, ठीक है ना, ये आई टू डैश मैंने उसका नाम दे दिया है। अब यहाँ पर होगा क्या कि एक रिजल्टेंट वेक्टर एक डेवलप हो जाएगा जो कि आपके पास आई वन कहलाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ी और अच्छी हो जाए, ठीक है ना। तो एक और करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले कंपोनेंट को उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस कंपोनेंट को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं इसी डायरेक्शन के अंदर। इसको थोड़ा सा और सही से बना लें, और इसको पहले कॉपी करके आगे हटा देते हैं ताकि ये चीज़ आगे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसी की डायरेक्शन के अंदर मैंने बना लिया है, और ये मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको लूँगा जो कि कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है ना, मतलब कि एक तरीके से ये कंबाइन हो जाएंगे।
जब ये कंबाइन होगा तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट करंट बनेगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रहा हूँ, ये आपके पास कहलाएगा I1, जो कि प्राइमरी के अंदर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फाइव टू था तो, और इस वाले एंगल के साथ जो बनेगा वो बनेगा फाइव वन, ठीक है ना, फाइव वन बनेगा। और बस यहाँ पर इतनी ही चीज़ें थी जो कि हमने अभी डिस्कस की है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें फेजर इस तरीके से ये बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ई वन और ई टू के अंदर डिस्कस हम ये कर रहे थे कि हमेशा कम क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के वोल्टेजेज हैं, तो वोल्टेजेस के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये फार्मूला लिख देता हूँ, कोई स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, तो मतलब कि ये कभी भी बराबर नहीं होता, ई वन और ई टू कभी भी बराबर नहीं होगा। ये अगर ई टू अगर कम होगा तो ई वन ज्यादा होगा, अगर ई वन ज्यादा है तो ई टू कम हो जाएगा, तो मतलब ये वाइस वर्सा, ये ऑल्टरनेट कम ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि स्टेप डाउन और स्टेप अप का जो कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे लग रही है, ये फिनोमिना है वो यहाँ पे लग रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। ई वन अपॉन ई टू विच इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। एन वन और एन टू से अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो वहां पर आप ई पी और ई एस कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब प्राइमरी का इंड्यूस वोल्टेज और सेकेंडरी का इंड्यूस वोल्टेज, और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, तो एन वन और एन टू इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपके पास एन पी है समझने के लिए, और ये आपके पास क्या है, एन एस है। अच्छा, ये और किसी और के भी बराबर होते हैं, वो होते हैं आई टू अपॉन आई वन के, ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना और ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूलाज यूज होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आज की जो क्लास थी बस यहीं तक थी, और आई होप समझ आ गया होगा जो जो हमने फेजर डायग्राम आज पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ख़त्म कर, वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बता दूं कि जो जो फार्मूला है ये है सिर्फ प्रैक्टिकली, ये फार्मूला नहीं है, समझे, एक तरीके से थ्योरेटिकल फार्मूला है। अगर प्रैक्टिकल कोई फार्मूला आपको चाहिए होगा ना, तो प्रैक्टिकल फार्मूला जो है आपको यहाँ पे कांस्टेंट अटैच करना होगा, इज इक्वल्स टू एन वन इंटू के। के आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फिक्स नहीं होगी, एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि इसके साथ अटैच होगी। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है नीचे वाला, ये है थ्योरेटिकल का था और ये है प्रैक्टिकल का, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। आई होप समझ आ गई ये वीडियो अच्छे से, कि नो लोड के अंदर फेजर कैसे बनेंगे और विद लोड फेजर किस तरीके से बनेंगे।